नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि कौशिक, आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑफ इंग्लिश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा ग्रामर पोर्शन है उसमें जो कुछ भी आता है हमारा उसके फॉर्मेट के बारे में। तो सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन पर फॉर्मेट है वो है फॉर्मेट ऑफ नोटिस। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेट है हमारा नोटिस का, आप स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं। ये फॉर्मेट आपको नोटिस का दिख रहा होगा। इसमें सबसे पहले आता है नेम ऑफ द स्कूल या फिर प्लेस, यानी कि जो उस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो उस नोटिस को दे रहा है, उस स्कूल का नाम या फिर उस प्लेस का नाम। फिर नीचे लिखे जाएगा ये नोटिस, फिर आएगी डेट, फिर सब्जेक्ट ऑफ नोटिस यानी किस विषय में हम नोटिस लिख रहे हैं, फिर जो हमको इन्फॉर्मेशन देनी है वो मैक्सिमम या मिनिमम वर्ड उसके हो सकते हैं आपके 50 वर्ड्स, फिर सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन यानी कि उसको कौन लिख रहा है, प्रिंसिपल लिख रहा है, हेड बॉय लिख रहा है या फिर क्लास टीचर लिख रहा है स्कूल में के लिए अगर आप ये नोटिस लिख रहे हैं तो। अब बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट का फॉर्मेट बड़ा ही आसान सा है। उसमें सबसे पहले आता है हेडिंग ऑफ रिपोर्ट, यानी किस विषय में हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, रिपोर्ट हम किस विषय पर लिख रहे हैं उसका यहाँ पर हेडिंग आएगा बाई एक्स वाई जेड यानी कि आपका नाम। जो इसमें जो क्वेश्चन होता है उसमें कभी कभी नाम गिवन भी होता है और कभी कभी नहीं भी होता, तो वो आपको चेक करना होगा। और अगर नाम नहीं है तो आप उसमें एक्स वाई जेड ही लिखेंगे। प्लेस, किस जगह की आप रिपोर्ट लिख रहे हैं वो। डेट, यस्टरडे एक्स वाई जेड। डेट में हमेशा रिपोर्ट हम उसकी लिखते हैं जो बीत गया, यानी कि यस्टरडे आएगा इसमें यहाँ। एक्स वाई जेड पब्लिक स्कूल सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट एनुअल फंक्शन, ये एनुअल फंक्शन की मैंने यहाँ पे ये तैयार की हुई है, तो आप इसको इसका ये फॉर्मेट मैंने एनुअल फंक्शन के हिसाब से बनाया, आप देख सकते हैं। अगर किसी और पर्पज के लिए रिपोर्ट आए तो आप वो भी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल की। आर्टिकल का फॉर्मेट भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, यह भी बहुत आसान सा है। इसका भी लगभग रिपोर्ट के जैसा ही फॉर्मेट है हमारा। यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का जो भी हमारा टॉपिक होगा सबसे पहले वो आएगा, फिर उसके बाद आएगा वाई एक्स वाई जेड यानी कि आपका नाम, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, मीनिंग प्लस प्रेजेंट स्टेटस यानी कि टॉपिक का इंट्रोडक्शन, मीनिंग और प्लस प्रेजेंट स्टेटस, कॉजेज ऑफ टॉपिक, स्टेटिक्स ऑफ द टॉपिक, प्रॉब्लम इफ नोन, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ द टॉपिक, प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं इसको, कंक्लूजन विद वार्निंग मैसेज एडवाइस स्टेप्स रिक्वायर्ड, ये आप इसमें दे सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ स्पीच या डिबेट। इसका फॉर्मेट बड़ा ही ज़्यादा हार्ड नहीं है, बड़ा ही आसान सा है, लगभग आर्टिकल के जैसा ही है। हेडिंग ऑफ द स्पीच या डिबेट जो भी है आएगा हमारा स्पीच या डिबेट जो भी होगा वो, फिर बाई एक्स वाई जेड यानी कि आपका नाम, फिर इंट्रोडक्शन। अगर आप वहाँ पे यानी कि आप डिबेट कर रहे हैं या फिर स्पीच दे रहे हैं, स्पीच मान के चलो आप मॉर्निंग असेंबली में दे रहे हैं स्कूल की, तो उसमें क्या आएगा, इंट्रोडक्शन आएगा, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वगैरह आएगा उसमें, जो वहाँ पे अगर प्रिंसिपल उस टाइम पे है तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वगैरह प्रिंसिपल, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टीचर्स एंड प्रिंसिपल मैम वगैरह आ जाएगा यहाँ पे। और एक्सप्रेस योर व्यूज अबाउट द टॉपिक, टॉपिक के बारे में आपके व्यूज, हाईलाइट द डिसएडवांटेज और एडवांटेज, कंक्लूड द टॉपिक विद सजेशन मैसेज एडवाइस, थैंक द ऑडियंस स्टूडेंट्स फॉर देयर सपोर्ट, यानी कि आपका स्पीच ऑडियंस ने सुना तो इसके लिए आपको थैंक्स भी देना होगा, तो ये कोई है। अब है फॉर्मेट ऑफ इन्विटेशन। इन्विटेशन का फॉर्मेट है हमारा, सबसे पहले आएगा इसमें यानी कि जो भी सबसे पहले आप ये ही लाइन का यूज करें तो अच्छा है। जैसे कि मान के चलो हम मैंने यहाँ पे मैरिज के लिए इन्विटेशन देना है उसको किसी को, तो मैंने यहाँ पे लिखा मिस्टर मिसेज एंड मिस्टर शर्मा रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिगनिंग प्रेजेंस ऑफ द एस्पिशियस ओकेजन ऑफ देयर सन्स मैरिज। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती रही हो, तो इसका ये यहाँ पे मतलब है कि आपका अभिनंदन कर रहे हैं मिस्टर एंड मिसेज शर्मा, आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और राहुल वैसे प्रेरणा की मैरिज है और ये 3 अप्रैल 2017 में है एट निकुंजा प्लेस न्यू दिल्ली। यहाँ पे आप इसका एड्रेस वगैरह ये आप फॉर्मेट देख सकते हैं।
अब जब इनविटेशन देते हैं तो उसका रिप्लाई, यानी कि अगर हमको उस शादी में जाना है तो उसका रिप्लाई, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसको, मिस्टर एंड मिस्टर यादव आर वेरी डिलाइटेड टू हियर डैट योर सन इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, इट इज नीडेड अ वेरी डिलाइटेड न्यूज फॉर देम, दे एश्योर यू एंड दे विल श्योरली टू ब्लेस द कपल ऑन द डे ऑफ वेडिंग, ये एक्सेप्टिंग है, यानी कि उस दिन आएंगे और ये ये उस दिन नहीं आएंगे, ये रिजेक्टिंग का है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम लेटर के फॉर्मेट पे, लेटर के हमने एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं इसके बारे में, वो आप देख सकते हैं अगर आपको और अच्छी तरीके से समझना है, अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले सेंडर एड्रेस आएगा, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट एंड फिर सर या मैडम यानी कि सैल्यूटेशन, फिर बॉडी ऑफ लेटर लगभग 125 से 150 वर्ड्स के बीच में, और लुकिंग फॉरवर्ड टू योर सिंसियरली वगैरह नेम। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप तक अपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।